उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव से अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने केंद्र में जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर गुरुकुल नारसन में जाट महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन में जाट आरक्षण समिति से जुड़े कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा ने बताया कि जाट समाज को केंद्र में आरक्षण की बेहद जरूरत है, जिसको लेकर जाट समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार केंद्र में जाटों को आरक्षण नहीं देती है तो जाट समाज आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। जी, मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है कि मैं पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, बचपन से मैं यहां पे क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन पहली बार उपस्थित हुआ हूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे समाज को ज़रूर सहयोग करना चाहिए, और क्योंकि हमारा कृषि से रिलेटेड मतलब जो है समाज, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि हमें तो एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, अगले 50 साल तक देना चाहिए, ताकि हमारे परिवार और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और अनेक फील्ड्स में पहुंच पाएं। गुरुकुल नारसन के अंदर आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का ये जाट सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे बहुत ही आदरणीय राजा शरद प्रताप जी ने की। और आपने यह देखा होगा, हर वक्ता ने अपनी बात को ठोक के ये कहा है कि जाट समाज को आरक्षण चाहिए। ये खैरात नहीं है, संविधान की आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर हमें आरक्षण चाहिए। और विशेषकर मैं ये बात बताऊंगा, जब बीपी मंडल कमीशन बना आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लास के लिए 1979 में, उनकी रिकमेंडेशन आई, हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो कृषि पर आधारित जातियां थी, जब उनको मिल सकता है तो हमारे को क्यों नहीं। हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, खेती पर निर्भर हैं, तो हमारे को भी आरक्षण चाहिए। और आज सरकार जो है बार बार ये वादा करके मुकर रही है, आने वाले लोकसभा में इस बात का जरूर जाट समाज के अंदर गुस्सा है, या तो 2024 के लोकसभा से पहले जाट समाज को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दे, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।